अगली लेवल के पहले ब्रेक ले लें क्या? अगला लेवल खेलने से पहले एक छोटा सा टाइम पास कर ले। पता अगर तेरी जादुई डायरी इनमें से कोई भी 6 मनपसंद चीजें तुझे दे पाती तो तू कौन से मांगती? प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। काश मैं भी ये प्रोडक्ट ट्राई कर पाती। सोच रहे होंगे ये उड़ती हुई लड़की कौन है? पता लगाने के लिए अगली लेवल खेलनी पड़ेगी। जॉब की पहली ट्रिप, क्या पहनूं? फाइनली हम एक नया शहर देखेंगे। याद है जब मम्मी वो प्यारा सा इंडिया मैप लाई थी? वो मैप मुझसे कई साल पुराना है। जल मत रे, ये देख फोटो। ओए होए, पुरानी फोटोज। तू तो बचपन से मम्मी की फेवरेट है ना? चुप। जब से मम्मी ने ये मैप दिया तब से मैं इंडिया घूमने के सपने देखने लगी। ये वाला देख, मम्मी पापा दीदी और मैं। बिल्कुल, हम दो हमारे दो टाइप। फिर छोटू और छोटी की एंट्री, एक पे एक फ्री। पापा काफी खुश हुए होंगे ना? चलो चले सिक्किम। क्या जॉब की पहली ट्रिप होगी सुपरहिट? अगला लेवल अनलॉक करने के लिए निशा की सेहत और कॉन्फिडेंस दोनों को संभालना है। ध्यान रखना और फोन करते रहना। मेरी पहली फ्लाइट, वो भी सिक्किम। ये मैं भी एक्साइटेड हूँ, पर तुझे क्या लगता है सिक्किम कैसा होगा? तेरा जॉब कैसा होगा? ये सब सोचने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अब सोच ले। कैसा फील हो रहा है इस नए चैलेंज के बारे में? एक्साइटेड फील कर रही हूँ, मजेदार ट्रिप होगी। मुझे भी यही लग रहा है, जम के मस्ती करेंगे। अच्छा, एक खास बात, ट्रैवल करते समय सबसे जरूरी है सेफ्टी। मोबाइल साथ रखा, बैटरी फुल है ना, और सेफ्टी पिन ऐप डाउनलोड किया? हाँ हाँ, सब किया है। नहीं किया तो फ्लाइट लैंड होते ही एयरपोर्ट में कर ले। मेहमान को भी आज ही आना था। मुझे पीरियड्स तो होते नहीं, वरना मैं तेरी हेल्प कर देती। ये पीरियड्स आखिर होते ही क्यों हैं? बॉडी से गंदा और अशुद्ध खून निकल जाए इसलिए।
पक्का? सब ठीक? बैठ के सर खुजलाने से क्या होगा, क्यों ना हम डॉक्टर पारो से ही सब पूछ ले। ओह यस, महावारी बोलो, मासिक चक्र या एमसी, पीरियड्स 100% नॉर्मल हैं। ये हमारे शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन खून? मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन हमारी टैक्सी आ गई होगी, चलते हैं, आराम से रास्ते में बात करेंगे, और कुछ लिंक्स भी भेजती हूँ। हाँ ओके। मैंने एक चैट बॉट भी बनाया है, आस्क पारो, तुम अपने सवाल उस पर भी पूछ सकती हो। चलो। ये है निशा, मेरी असिस्टेंट, आयुष, फिल्म मेकर, वीडियोग्राफर और हमारा डॉक्यूमेंट्री एक्सपर्ट। तेरे दिल धड़कने की आवाज यहाँ तक आ रही है लड़की। लगता है इसे ही कहते हैं लव एट फर्स्ट सा। चुप यार। मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर तेरे दिल का क्या? ये थोड़ा क्यूट तो है वैसे, है ना? सिर्फ थोड़ा? चेहरा तो टमाटर जैसा हो गया है तेरा, ज्यादा क्यूट ही होगा। और अब मिलो हमारी सीरीज की पहली गेस्ट से, डॉक्टर अरुणा। हाय टीम। वाओ यार, मैं पहले कभी लेडी साइंटिस्ट से नहीं मिली। एंड रोलिंग। सो अरुणा, हमें अपने काम के बारे में बताइए। हम यहाँ इस इनक्यूबेशन सेंटर में पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? हमारे देश में कई महिलाएं पीरियड्स के प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर पाती, ऊपर से दुनिया भर में बढ़ता प्रदूषण, इसीलिए पीरियड प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना और दुनिया की सारी औरतों तक पहुँचाना जरूरी है। आपके दर्शकों के लिए हमने कुछ जाने माने पीरियड प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, देखना चाहोगे? तुम दोनों ऐसे ही नजरें मिलाते रहोगे तो हो गया काम। असिस्टेंट मैडम, बाद में शर्मा लेना, चल प्रोडक्ट्स देखते हैं। रीयूजेबल पैड को अंडरवेयर पे लगाते हैं, इसे हर 4 से 6 घंटों में बदलना चाहिए, इसे अच्छे से धोने के बाद रीयूज कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन को अंडरवेयर पे लगाते हैं, इसे हर 4 से 6 घंटों में बदलना चाहिए, इसे रीयूज नहीं कर सकते और हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये एक मेंस्ट्रुअल कप है, मेंस्ट्रुअल कप को योनि के अंदर डालते हैं, 8 से 10 घंटों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर से यूज करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप को खाली करो, साफ पानी से धोकर फिर यूज करो। ये एक टैम्पॉन है, टैम्पॉन रुई से बनता है, टैम्पॉन को योनि के अंदर डालते हैं और हर 4 से 6 घंटे में बदलो और नया टैम्पॉन यूज करो। अरे ये थोड़ा देखा देखा सा है। सही इस्तेमाल कैसे करते हैं? कपड़े का पैड लगभग साधारण पैड्स के जैसे ही होता है, लेकिन यूज करने के बाद इन्हें अच्छे से साबुन से धोकर धूप में सुखाना जरूरी है। क्या ये मेरे लिए ठीक है? इन्हें खुद भी बना सकते हैं और ये बने बनाए भी आते हैं, इन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता, इसीलिए वातावरण के लिए अच्छे हैं।
इन्हें पानी से अच्छे से धोना और धूप में सुखाना जरूरी है। कहाँ खरीद सकते हैं? इन्हें खुद भी बना सकते हैं और ये बने बनाए भी आते हैं। ऑनलाइन या बड़े मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। ये बनता कैसे है? मुलायम कॉटन से बने कपड़े के पैड साधारण पैड के जैसे ही होते हैं। अगर सिलाई का शौक हो तो ये पैड्स घर पे भी बना सकते हो। अरे, ये तो कप जैसा दिखता है। क्या ये मेरे लिए ठीक है? ये प्रोडक्ट हर उम्र के लिए बनाया गया है। इन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता, इसीलिए वातावरण के लिए अच्छे हैं। इन्हें हर महीने पानी में उबालना और अच्छे से सुखाना जरूरी है। कहाँ खरीद सकते हैं? ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं और बड़े मेडिकल स्टोर में भी। ये बनता कैसे है? ये कप्स मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनते हैं। खून इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं? सही साइज चुनने के बाद कप को मोड़कर योनि के अंदर डालें। खून इस कप में इकट्ठा होता है, जिससे लीकेज भी आमतौर पर कम होती है। 8 से 12 घंटों के बाद कप खाली करना जरूरी है। हर महीने इसे उबलते पानी में धोना चाहिए। बनता कैसे है? ज्यादातर पैड्स प्लास्टिक के परतों से बनते हैं, जो खून को सोख कर जेल में बदल देती है। कंपोस्टेबल पैड्स भी होते हैं, जो बांस, केले और मक्के के रेशमों से बनते हैं। है? ये तो इतुसा है? क्या ये मेरे लिए ठीक है? ये प्रोडक्ट हर उम्र के लिए बनाया गया है। इन्हें बार बार खरीदना पड़ता है। क्या तुम कोई प्रोडक्ट फिर से देखना चाहोगी? हाँ। हमने इन सारे प्रोडक्ट्स की तुलना के लिए ये रिपोर्ट कार्ड बनाया है। एंड कट। ग्रेटिंग। अभी तक बात भी नहीं हुई, मगर तुम दोनों की तो आंखों ही आंखों में लव स्टोरी शुरू हो गई है। गैंगटॉक की फेमस मोनेस्ट्री तो आप सबको देखनी चाहिए, हमारा सबसे सुंदर टूरिस्ट स्पॉट। इस एपिसोड के लिए एक सेल्फी भी ले ले। निशा, तुम इस साइड आ जाओ, यहाँ फ्रेमिंग अच्छी होगी। वाह भाई, लगता आयुष का भी वही हाल है जो तेरा है। यार तू भी ना। क्या हुआ? बड़ी बेचैन लग रही है। यार पीरियड्स के समय मम्मी के 1000 नियम। पापा शॉपकीपर भाई से छुपाना, उसके ऊपर से क्रैम्प्स, और तो और दाग लगने की टेंशन। तू आम तौर पे अपने पीरियड्स को हैंडल करने के लिए क्या करती है?
काश मैं बेहतर हैंडल कर पाती। क्यों ना अरुणा जी से हेल्प मांगे, वो तो एक्सपर्ट है। ठीक है, ट्राई कर लेती हूँ। ये हुई ना बात, गो निशा गो। हाय निशा, तुम ठीक हो ना? थोड़ी परेशान लग रही हो। एक्चुअली अरुणा जी, मेरे कुछ सवाल थे पीरियड्स को लेकर। तकलीफ है? दर्द के कारण मुझे नॉर्मल काम करने में दिक्कत आती है। पारमिता जी इस टॉपिक पे बेहतर सलाह दे पाएंगी। डोंट वरी निशा, पीरियड्स के वक्त दर्द होना काफी नॉर्मल है। हाँ, अपने शरीर की जरूरतों और सीमाओं को समझना पड़ता है। क्या तुम्हें तेज दर्द अक्सर होता है? नहीं, बस कभी कभी, ज्यादातर तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। बढ़िया। देखो, इस दर्द को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। पीरियड्स के वक्त बच्चेदानी के मसल्स जोर से सिकुड़ते हैं, इसी वजह से दर्द होता है। अच्छा बताओ, तुम आम तौर पर दर्द के लिए क्या करती हो? बस दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूँ। अगर दर्द से परेशान हो तो उसके लिए और उपाय हैं। मामूली दर्द से राहत पाने के लिए पेट और पीठ पर गरम सेक करने से राहत मिल सकती है। उसके अलावा योगा के कुछ आसन भी काम आ सकते हैं। तुम दर्द की दवा भी ले सकती हो, लेकिन सही मात्रा में ही। दर्द बर्दाश्त ना हो तो डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द पता चले वही बेस्ट है। और कोई चिंता? नहीं। सो, अब कहाँ? कैफे में खाना पीना हो जाए। यस। वैसे मुझे मार्केट से कुछ खरीदना है। मुझे भी एक्चुअली। निशा, आयुष, तुम दोनों कैफे हो आओ। क्या ऑर्डर करूं? गुड चॉइस, मेरे लिए सेम। क्या बात है, तुम दोनों की तो पसंद भी मिलती जुलती है। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं। मॉनेस्ट्री शानदार थी ना? हाँ। नहीं और हाँ के आगे भी तो कुछ बोल। आप भी दिल्ली से हो? नहीं, बॉम्बे से। ओ। पर मेरा दिल्ली में आना जाना चलता रहता है काम के लिए। ओ। काम के समय वीडियोस? काम के ही वीडियोस हैं। मुझे भी, पर आपको वियर्ड नहीं लगा? नहीं, बस स्कूल की याद आ गई। पारो मैम ने आपको कुछ फाइल्स भेजने को कहा है। ओ, मुझे लगा। निशा दी। छोटी, कैसी हो? तुम तो मस्ती कर रही होगी। काम कर रही हूँ पगली। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे हेल्प चाहिए। कल मेरा कबड्डी मैच है, लेकिन मेरा पीरियड शुरू हो गया और थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मम्मी खेलने से मना कर रही है। एक काम कर, गरम पानी की बोतल या टॉवल से सेक ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा ट्राई करती हूँ, लेकिन फायदा नहीं हुआ तो? डॉक्टर से बात कर ले। डॉक्टर? डर मत, दर्द तो लगभग सबको होता है, एक बार चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं। दी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आज प्रैक्टिस में मेरी पैंट पे दाग लग गया। थैंक गॉड सिर्फ मेरी सहेलियां थी साथ में, पर कल फिर दाग लग गया तो? मेरी सलाह होगी कि
हर 4 से 6 घंटे पैड बदल, ना दाग का डर होगा ना स्मेल का। बाप रे, लड़की होना इतना थकाने वाला काम है, ये पीरियड्स आखिर होते ही क्यों हैं? प्रजनन से संबंधित पीरियड्स एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। प्रजनन? क्या बात कर रही हो दी, उसका खून से क्या कनेक्शन? पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी होते हैं छोटी। मैं तुझे एक लिंक भेजती हूँ, जरूर देखना। वाह, डॉक्टर पारो की याद आ गई। ओए होए, डबल स्माइली। मैंने कहा था ना, लड़का इंटरेस्टेड है। सिर्फ दोस्ती में यार, पता क्या रिप्लाई भेजूं? यहाँ 13 फिल्मी यूट्यूबर, वहाँ पम्मी चाची के अनगिनत भांजे भतीजे, अब क्या होगा? क्या बात है, पहला असाइनमेंट डन। तूने डॉक्टर पारमिता और अरुणा जी की नॉलेज को छोटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज किया, और देख तेरे हेल्थ, कॉन्फिडेंस और रिश्ते सभी बेहतर हैं। और ये क्या, रोमांस भी चालू। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है।